कोटा में पुलिस ने सट्टा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 60,86,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। साथ ही केशोरपुरा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई में एक युवक को भी साथी गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पुलिस को देखकर अन्य आरोपी भी मौके से फरार हो गए हैं। सीआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अमीन को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल, 1 नोट गिनने की मशीन सहित 60,86,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। सट्टे का ये गोरख धंधा एक किराए के मकान में चलाया जा रहा था। मुझे मुखबिर से सूचना मिली कि साजी डेरा में मोहम्मद उस्मान भाई के मकान पर, जिसमें मोहम्मद आमीन नाम का व्यक्ति किराए से रहता है, वहाँ पर अगर दबिश दी जाती है तो भारी मात्रा में राशि बरामद हो सकती है। इस सूचना पर मैंने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया, जाकर मौके पर जाकर दबिश दी तो पुलिस जाब्ते को देख करके रईस उर्फ बशीता वहाँ से भाग गया तथा मोहम्मद आमीन मौके पर मिला, जिसके पास से 60,86,890 रुपये हैं, जिनको जब्त किया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राजेंद्र, ये बताएं कि कितने लोगों को पकड़ा गया है और क्या कुछ सामान बरामद किया गया है? नवीन, आज इस तरह से किशोरपुरा थाने ने सट्टे की कार्रवाई करी, इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। यहाँ पर जिस तरह से जब्ती की बात करें तो 60,86,000 रुपए नकद और साथ में 2 मोबाइल फोन और 1 नोट गिनने की मशीन यहाँ पर बरामद की गई है। साथ में एक किराए के मकान पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था और इस पूरे किराए के मकान को इन्होंने काफी समय से नेटवर्क बना रखा था। जिस तरह से IPL की बात करें और IPL के बाद में जो और सीरीज थी उस पर भी यहाँ पर सट्टे का कारोबार चलता था। जो इनके बुकी थे जो पूरे कोटा से, यहाँ पर भी इनका कलेक्शन होता था। जो लोग सट्टा लगाते थे उस सट्टे की रकम को एक जगह किशोरपुरा में इकट्ठा किया जाता था और किशोरपुरा में इकट्ठा करके ये बाहर भेजी जाती थी। अगर खाई वाली की बात करें तो इसमें IPL का सट्टा ही नहीं बल्कि जो और तरह के जो सट्टे लगाए जाते हैं लवीना, वो भी इसमें शामिल थे। ये जो खाई वाले काफी समय से नियमित रूप से इसी सट्टे के कारोबार में लिप्त है, जिसमें से एक आदमी मोहम्मद अमीन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बाकी पुलिस को जब सूचना मिली और पुलिस जब मौके पे पहुंची किशोरपुरा तो एक आरोपी वहां से भाग के निकलने में कामयाब हो गया। जी राजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से कोटा से खबर बता रहे, जहां पर सट्टा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है और एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है।